एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां से राहत वाली खबर आप कह सकते हैं, अरुण गोविल जीत गए हैं। बीजेपी के लिए राहत की खबर है कि अरुण गोविल जीत गए हैं। अरुण गोविल लगातार कभी आगे कभी पीछे चल रहे थे, और ऐसे में भले ही फैजाबाद में बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह की हार हुई है, लेकिन मेरठ में जो टीवी के राम है अरुण गोविल, वो जीत गए हैं। जीत का अंतर महज 9000 वोट ही है, लेकिन जीत जीत होती है। अरुण गोविल मेरठ में जीत हासिल कर चुके हैं, ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हालांकि कई केंद्रीय और केंद्रीय राज्य मंत्रियों की हार उत्तर प्रदेश में, वो चर्चा का विषय है, मंथन का विषय है। कई बड़े चेहरे जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, उनकी हार हुई, लेकिन इस बीच अरुण गोविल यानी कि मेरठ की सीट बचाने में बीजेपी एक बार फिर कामयाब हुई है। ठीक है, वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन, उनका फिलोसफी ये था कि 2004 दोहराया जाएगा, जब वाजपेयी जी को सिर्फ 138 सीटें मिली और कांग्रेस को 145, लेकिन 7 सीट के फर्क ने बिल्कुल सब कुछ बदल दिया। अब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो कांग्रेस और उनके गठबंधन को यही उम्मीद था कि बीजेपी से थोड़ा मोड़ा ज्यादा हमें मिल जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब सवाल है कि उनको इतना नंबर मिला है कि सरकार को दबाव में बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सपा और कांग्रेस या बसपा पहले भी साथ रह चुके हैं और फिर जुदा भी हुए हैं, तो यह कहना मुश्किल है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव सदा के लिए एक साथ हो गए। असल में हार के बाद कई बार गठबंधन के जो गांठ है वो खुल जाती है, लेकिन जीत के बाद गांठ और मजबूत हो जाती है। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक है। सौरभ जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, अभी तक की जो टैली आप देख पा रहे हैं, जो कुछ घट रहा है, जैसा राहुल और अखिलेश की फोन पर बातचीत चल रही है, अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, तीसरी बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से सरकार में थी और पूर्ण बहुमत के साथ थी, तीसरी बार देखिए चुनौती रहती है। कोई भी पार्टी हो, वो अंदरूनी तौर पर जो है वो स्वीकार करते हैं चुनौती को। ठीक है, ऊपर में उन्होंने एक नारा दिया था, लेकिन उनको पता था कि जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश है और अन्य राज्य हैं जैसे राजस्थान है, तो वहाँ पर चुनौती उनको जरूर मिलेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास मुद्दों से ज़्यादा उसको लाभ इस बात का मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ कमियां रह गई, या फिर कुछ नेताओं का बड़बोलापन रह गया, जिसके कारण से उसको समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट रूप से फायदा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी शाम को रात के 8-9 बजे तक जो है ये आंकड़े आपको क्लियर होंगे, क्योंकि मार्जिन जो बताया जा रहा है वो कहीं कहीं पर 1000 और 2000 का मार्जिन है, तो मुझे लगता है कि उसके इंतजार करना चाहिए। आपके पास लौटेंगे, एक रिएक्शन आलोक अवस्थी जी से भी ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, ठीक है हार जीत तो वो है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर अखिलेश यादव ने जिस रणनीति के साथ टक्कर दी है उसमें वो कामयाब हुए हैं? देखिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कम से कम न्यूज 18 को याद आए कि मैं भी पैनल में बैठा हूँ। अखिलेश यादव जी लगातार सब चुनाव हारे हैं इसके पहले, हाँ इस बार उन्होंने चुनाव में प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें उनका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस के बाद का जो बड़बोलापन था वो हम देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी अभी जो है बहुत पीछे है, 100 की संख्या में मात्र कांग्रेस है, 272 सीटें जब आप लाएंगे तब आपको जो है सरकार बनेगी। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी जिसके लीडर है एनडीए, वो उसकी सरकार बन रही है, और जो लोग ग्रेस मार्क से पास होते थे वो इस बार थोड़ा सा अच्छे मार्क से पास हो गए, लेकिन हम डिस्टिंक्शन पाते थे, हम थोड़ा सा कम पास रह गए, लेकिन हम तब भी उनसे बहुत बड़ा दल है, हम उनसे बहुत बड़े संख्या में आगे हैं। राहुल गांधी, ठीक है, आपके पास लौटते हैं आलोक जी, इस वक्त एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन पर हार का सामना करना पड़ा है इस वक्त, बीजेपी की बात खासकर कर ले, कौन कौन से वो केंद्रीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो बड़े चेहरे आपके सामने रख रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी जो कि खीरी सीट से हार गए हैं, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली सीट से हार गए हैं, ये दूसरा बड़ा चेहरा बीजेपी का। कौशल किशोर, वो भी केंद्रीय मंत्री, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। और कौन कौन से चेहरे आपको दिखाते हैं, 4 केंद्रीय मंत्री, स्मृति ईरानी जिनकी हार हुई है अमेठी में, यूपी में 4 केंद्रीय मंत्रियों की हार हुई है, अजय मिश्रा टेनी इनकी भी हार हुई है, इन्हें भी जनता ने जिताया नहीं इस बार, महेंद्रनाथ पांडे इनकी भी हार हुई है, जनता ने इन पर भी भरोसा नहीं किया, और कौशल किशोर बहुत आश्वस्त लग रहे थे कि ये तो जीतेंगे ही, लेकिन कौशल किशोर भी अपनी सीट बचा नहीं पाए हैं। ये 4 चेहरे इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, स्मृति ईरानी, कैलाश चौधरी, आरके सिंह, अजय मिश्रा टेनी, ये सारे बड़े चेहरे
जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा, किसी न किसी रूप में उनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि हार के बाद चिंतन मंथन का दौर चलेगा, आकलन अवलोकन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि कहां पर हमसे चूक हो गई और क्यों ये बड़े चेहरे हारे जिनके कंधों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी थी, अगर वो चुनाव हार गए तो क्या क्या कारण रहा। आपने लगभग सबसे मुलाकात की थी, सबके क्षेत्र में आप गए थे, स्मृति चलिए कौन कौन जीते हैं ये भी एक बार दिखा लेते, फिर इस पर आगे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, एक एक चेहरे पर हम विचार करेंगे। लेकिन ये देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार और वो जीत हासिल की उन्होंने, अजय राय कांग्रेस और INDIA के उम्मीदवार थे, उन्हें हार हुई है, 1,53,000 वोटों से जीते हैं पीएम। साक्षी महाराज एक दूसरा बड़ा नाम, साक्षी महाराज उन्नाव सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है, अनु टंडन को हराया है। लेकिन बड़ी बात है कि साक्षी महाराज की हार जीत का जो अंतर था 2019 में मेनका, वो 4,00,000 वोटों का था और इस बार महज 30,000 वोटों से साक्षी महाराज ने जीत दर्ज की है। तो ये भी वहां पर आकलन करने का विषय है कि ये मार्जिन इतना कम कैसे हुआ। और रायबरेली दिनेश प्रताप सिंह हार गए हैं, जीते हैं राहुल गांधी और बड़े वोटों के अंतर से जीते हैं राहुल गांधी। रायबरेली में आखिरी मोमेंट में आकर उन्हें कैंडिडेट अनाउंस किया गया और उन्होंने चुनाव जीता है। किशोरी लाल जीत गए हैं, एक बहुत बड़ा सेटबैक। अमेठी में स्मृति ईरानी हारी है, तो सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं हारी है, एक केंद्रीय मंत्री की हार हुई है, कांग्रेस के एक ऐसे नेता से जिसे लेकर बार बार बीजेपी कह रही थी कि वो बहुत बड़े नेता नहीं है, वो तो सिर्फ सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं इसलिए उन्हें यहां भेज दिया गया है और बहुत बड़े नेता नहीं है। लेकिन यहां पर स्थानीय होने का फायदा KL शर्मा को मिलता दिख रहा है। आलोक जी, आपकी शिकायत थी कि आपको न्यूज 18 ने याद रखा, मतलब बहुत देर तक हम आपके पास आ नहीं पाए थे, ब्रेकिंग आती रही, आपके प्रत्याशी जीतते रहे या हारते रहे, इस वजह से हम आपके पास आ नहीं पाए, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं।